मेरा नाम पिंकी है, मैं एक लड़की हूँ, एक अंधी लड़की जो कुछ नहीं देख सकती और जिससे खुशियाँ रूठी हुई हैं। मेरा ताल्लुक एक अपर क्लास फैमिली से है। दुनिया की तमाम राहतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तारीकियों और महरूमियों के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अंधी हूँ। मैं दुनिया और उसकी रंगीनियों को नहीं देख सकती। मैं ज़िंदगी की असल मुसर्रतों और खुशियों से बहुत दूर हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जिंदगी के पल गिन रही हूँ। कितने हैं और कब तक हैं? आंखें खोलने के बावजूद हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आती है। आंखों की बिनाई से महरूमी ने मुझे जिंदगी से भी मायूस कर दिया है। अक्सर अपनी बेबसी पर रोना आता है। मैं अपनी जिंदगी के अंजाम से बेखबर हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या होगा। सारे फैमिली मेंबर्स के होते हुए ऐसा लगता है कि मैं फिर भी अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आती है या नहीं। कोई मेरा या मैं ही किसी की जीवन साथी बन सकती हूँ या नहीं। अच्छी तरह जानता हूं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अच्छी तरह ज़हन बनाना पड़ता है। और आजकल मार्केट की पोजीशन यह है कि किसी भी आप नए कारोबार में हाथ नहीं डाल सकते। ये बात मैंने उस दिन मीटिंग में भी कही थी और आज फिर रिपीट कर रहा हूं। एनीवेज, आप मेरे दफ्तर आइएगा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बात करनी है। एक तो आप टेबल पर देर से आते हैं, दूसरे आप नाश्ता करने से पहले बिजनेस शुरू कर देते हैं। मैं थक जाती हूँ आपके इंतजार में, नाश्ता भी ठंडा हो जाता है। तो भाई, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और नाश्ता करना शुरू कर दे। आप ही गिला नहीं करते हैं कि थोड़ी देर मेरा इंतजार भी नहीं कर सकें और नाश्ता शुरू कर दिया। आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसी कोई बात कही हो तो। तुम और शाम को हमारा अभी के साथ ड्रॉप कर रहे हो ना? नो सॉरी, वो चले जाओ। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम मुझे इतना सा फेवर नहीं दे सकते। वंस अगेन नो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शाम को मैं पार्टी अटेंड करता भी या नहीं। तुम मुझे ड्रॉप तो कर सकते हो ना, तुम्हारे पास तो गाड़ी है, पापा की गाड़ी इंगेज है, वरना मैं चली जाती। दैट्स नॉट माय फॉल्ट। क्या है, अब किस बात पे झगड़ा हो रहा है तुम दोनों में? मामा इनसे कहे शाम को मुझे हमारा आप ही ड्रॉप कर दे। मेरे साथ चली चलना ना। अम्मी आप लेट रात को जाएंगी, मुझे जल्दी जाना है वहाँ पे। हाँ जाना तो मुझे रात को ही था, लेकिन मेरा का बार बार टेलीफोन आ रहा है कि जल्दी आना, इसलिए मैं जल्दी चली जाऊँगी। लो अगर ये बात है तो मुझे तुम्हारी फेवर की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाएगा बेबी। ये आज पिंकी नहीं आई, क्या नाश्ता नहीं करेगी वो? ओहो, मैं ही उसको लाना भूल गई। तुम दोनों को भी ख्याल नहीं आया ना? हमारी ड्यूटी थोड़ी है। लगाऊंगी ड्यूटी। अच्छा अच्छा, अच्छा।
आप आ गई? इतनी देर कर दी आज आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बाजी मैं जोरा हूँ। जोरा तुम? अम्मी कहाँ है? बाजी वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, आए मैं आपको लेकर जाती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ वो आज शाम को मेरा क्या, जरा जल्दी आइएगा, उसने फोन पे बहुत ताकीद की थी। आज तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। आप नहीं आए ना तो वो बहुत नाराज होगी। एक तो तुम लोग अचानक प्रोग्राम बना लेते हो, इससे सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा मैं वहाँ आने की भरपूर कोशिश करूँगा। तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी तुम्हें मेरी फेवर की कोई जरूरत नहीं, अब क्या हुआ? I'm sorry. Sorry तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं अपना नाश्ता नहीं छोड़ सकता। Try to understand me, please. तुम अब्बू के साथ क्यों नहीं गई? अब्बू का रूट अलग है। खुर्रम, तुम्हारी बहन है, कभी तो उसकी बात सुन लिया करो। अम्मी आप इसके ड्रामे नहीं जानती, हमेशा लेट होती है और उसके बाद दूसरों के प्रोग्राम डिस्टर्ब करती है। चलो। थैंक्स। नाश्ता करा दो, शाम को हम लोगों को हमारे के घर जाना है तो मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। अम्मी आपको पता है कि मैं आपके हाथ से नाश्ता करती हूँ। प्लीज पिंकी, तुम्हें हर वक्त किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, कम से कम नाश्ता तो खुद कर लो। और वैसे भी जोरा है ना तुम्हारे साथ। आप लोगों ने मुझे कुछ सिखाया भी तो नहीं, अगर आप लोग मुझे कुछ सिखाते तो मैं भी कुछ कर लेती। बचपन से अभी तक अंधी की अंधी ही रही, अपने काम भी खुद नहीं कर सकती। देखो पिंकी, अगर तुम देख नहीं सकती तो कम से कम अंदाजा तो कर सकती हो ना। तुमने कभी इस ताकत को इस्तेमाल करने की जहमत ही नहीं गवारा की। जहमत मुझे नहीं, आपको करनी चाहिए थी अम्मी। मुझे ब्लेम करने से पहले अगर आप लोग बचपन से मेरी तरबियत करते तो मैं अपने काम खुद कर सकती थी। आप लोगों की मोहताज होकर रह गई हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि एक अंधी लड़की को बेकार समझकर ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक नहीं समझा जाता, और फिर बाद में उसी को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उसने अपनी दुनिया को तारीफ क्यों कर लिया है। अंधे होने की वजह से मैं दुनिया की रोशनियों, राहतों सबसे महरूम हो चुकी हूँ। मैं इस अंधेरे से निकलना चाहती हूँ अम्मी, मगर मेरा कोई साथ ही नहीं देता। जोरा, इसको नाश्ता करा दो भाई। रहने दें, मैं खुद कर लूँगी।